भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर हर साल लाखों लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का एक प्रमुख धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जिस जगह पर आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, वहां 5000 साल पहले मल्लपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। रिश्ते में राजा कंस श्री कृष्ण के मामा लगते थे। राजा कंस के कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। जनमान्यता के अनुसार कारागार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के प्रपोत्र वज्रनाभ ने अपने कुल देवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। उस समय जब इस मंदिर का रूबाब था, ऐसा मानते हैं कि इसका यश शब्दों या चित्रकारी द्वारा बयां कर पाना मुश्किल था। इस मंदिर की अनेकों खासियत है। सबसे पहली तो यही है कि यहाँ करीब 5000 साल पहले भगवान विष्णु ने अपना 22वां अवतार मनुष्य योनि में कृष्ण के रूप में लिया था। वे द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रात 12 बजे कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से जन्मे थे। तब कंस मथुरा का राजा था और उसने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव महाराज को बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिया था। कृष्ण कारागार के अंदर ही देवकी की 8वीं संतान के रूप में पैदा हुए। रंग सांवला कुछ नीला होने की वजह से उन्हें कृष्ण पुकारा गया। बाद में कृष्ण के हाथों ही राजा कंस समेत असंख्य राक्षस मारे गए। उस समय मंदिर की भव्यता इतनी ज्यादा थी कि सब लोग मंदिर देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। यहाँ तक कि लीलाधर कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में बने भव्य मंदिर को देखकर लुटेरा महमूद गजनवी भी आश्चर्यचकित रह गया था। उसके मीर मुंशी अलुतवी ने अपनी पुस्तक तारीखे यामिनी में लिखा है कि गजनवी ने मंदिर की भव्यता देखकर कहा था कि इस मंदिर का विवरण शब्दों या चित्रों द्वारा बखान करना नामुमकिन है। उसका अनुमान था कि वैसा भव्य मंदिर बनाने में 10 करोड़ दिनार खर्च करने होंगे और इसमें 200 साल लगेंगे। यह तो इतिहास में उल्लेखनीय है कि विदेशी ताकतों ने हमारी संस्कृति और हमारे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने की बहुत सी कोशिशें की हैं। कृष्ण जन्मभूमि का भी ऐसा ही इतिहास रहा है। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को भी मिटाने की कई कोशिशें हुई हैं। इतिहास के मुताबिक यह मंदिर 3 बार टूटकर 4 बार बनवाया जा चुका है। सन 1017 और 18 में महमूद गजनवी ने मथुरा के सारे मंदिर तुड़वा दिए थे, लेकिन उसकी हार इसमें थी कि उसके लौटते ही सारे मंदिर फिर से बनवा दिए गए। महमूद गजनवी ने यहां आकर आक्रमण किया था, जिसके बाद मंदिर को पूरी तरह लूटकर ध्वस्त कर दिया था। बाद में इसे महाराजा विजयपाल देव के शासन में सन 1150 ईस्वी में जज नामक किसी व्यक्ति ने बनवाया। यह मंदिर पहले की अपेक्षा और विशाल बना, जिसे 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोदी ने नष्ट करवा डाला। इसके बाद ओरछा के शासक वीर सिंह देव बुंदेला ने इस खंडर पड़े स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया, जो पहले से और ज्यादा विशाल था। माना जाता है कि मंदिर के यह रूप इतना ऊंचा था और विशाल था कि यह आगरा से दिखाई देता था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इसे भी मुस्लिम शासकों ने सन 1669 ईस्वी में नष्ट कर इस भवन की सामग्री से जन्मभूमि के आधे हिस्से पर एक भव्य ईदगाह बनवा दिया, जो आज तक भी मौजूद है और लगातार विवाद का विषय रहा है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में इस ईदगाह को लेकर के अच्छी भावनाएं नहीं है। इस ईदगाह के पीछे ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से पुनः एक मंदिर स्थापित किया गया, परंतु
इस पर विवाद अब भी जारी है, क्योंकि जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह है और आधे पर मंदिर, जो कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। मंदिर में प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का परकोटा मौजूद था। मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने में एक कुआं भी बनवाया गया था। इस कुएं से पानी 60 फीट की ऊंचाई तक ले जाकर मंदिर के प्रांगण में बने फव्वारे को चलाया जाता था। इस स्थान पर उस कुएं और बुर्ज के अवशेष अभी तक मौजूद हैं। सन 1669 में जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को गिराना चाहा, तो इस मंदिर को वीर गोकुला जाट ने नहीं गिराने दिया। उसके बाद जाटों ने मुगलों की राजधानी आगरा पर आक्रमण कर दिया। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक प्रमाण की दृष्टि से सबसे पुराना शिलालेख महाक्षत्रप षोडश ईसा पूर्व 80 से 51 तक के समय का मिला है। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार वसु नामक एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर एक मंदिर तोरण द्वार और वेदी का निर्माण कराया था। उसके करीब 400 साल बाद गुप्त सम्राट विक्रमादित्य ने उसी स्थान पर भव्य मंदिर बनवाया। इसका वर्णन भारत यात्रा पर आए चीनी यात्रियों फहवान और हिंग सांग ने भी किया है। फ्रांसीसी यात्री टेबरनियर 17वीं सदी में भारत आया था और उसने अपने वृतांतों में मंदिर की भव्यता का जिक्र किया है। इतालवी सैलानी मनुची के अनुसार केशव देव मंदिर का स्वर्णाच्छादित शिखर इतना ऊंचा था कि दीपावली की रात उस पर जले दीपकों का प्रकाश 18 कोस दूर स्थित आगरा में भी दिखता था। श्री कृष्ण के इस मंदिर का इतिहास हमेशा से ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। इस मंदिर पर अंतिम प्रहार औरंगजेब ने किया। ब्रिटिश शासन काल में वर्ष 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पटनी मल ने इस जगह को खरीद लिया। वर्ष 1940 में जब यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय आए, तो श्री कृष्ण जन्म स्थान की दुर्दशा देखकर वे काफी निराश हुए। इसके 3 वर्ष बाद 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला मथुरा आए और वे भी जन्मभूमि की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा हताश हुए। इसी दौरान मालवीय जी ने बिड़ला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा। बिड़ला जी ने पत्र के जवाब में अपना दर्द लिख भेजा। मालवीय की इच्छा का सम्मान करते हुए बिड़ला ने 7 फरवरी 1944 को कटरा केशव देव को राजा पटनीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। इससे पहले कि कोई कार्य शुरू होता, तब तक मालवीय जी का देहांत हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बिड़ला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। आखिरकार बहुत संघर्षों के बाद मंदिर का निर्माण कार्य फरवरी 1982 में पूरा हुआ और आज श्री कृष्ण के भक्तों के लिए यह एक बहुत खास मंदिर स्थापित है।